भाई एगो गीत इस समय बड़ा ट्रेंडिंग में चलत बा। कवन गीत बाबू? अरे ऐसा मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन लागे सूरत हो। ए राजा जी करे तराहल हा जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। माँ बिंदुआसनी स्टूडियो के सौजन्य से और म्यूजिक टेन रिकॉर्ड चैनल की ओर से भाई विशाल यादव और जसवंत यादव की देखरेख में एक विरहा ऐसन कहानी रामायण से जो बड़ा कम लोगन के मालूम हुई अचूक जास्तान जिके कहल जाला। तो आशा अपूर्ण विश्वास बा कि आप लोग ये कहानी के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दीहन, चैनल के सब्सक्राइब करीहन। स्वर्दा मास्टर कहानी बड़ी जानदार बा। गौर करे में भूमिका में भाव मास्टर। हो गया वंश रावण का विध्वंस जब स्वर्ण लंका जली पाप की आग में नैन से निज नगर को निरखता छली वीर डूबे थे सूरित के सैलाब में तब से तरुणी तरुण है कहा हे पिता जंग भूमि में जाऊंगा मैं। अरे कितनी ताकत है भुजबल में रघुवीर के आ जाऊंगा दीप बबुल को न जाऊंगा मैं। जब पूरी तरह से एकदम विध्वंस हो गए, बचल के विभीषण। विभीषण के लड़का जिकर नाम रहल तरुणी सेन, अपने पिता विभीषण से पूछे लगल कितनी लाश पर लाश समर में पट गई। ये वंश एकदम खत्म हो गए बाबूजी, तोरे कुछ लगल ना? कलरे भाई धर्म अधर्म का लड़ाई रहल, कस लिया कमर और कस के कमर अपने पिता से आशीर्वाद मांगे लगल। क्या भाई हम जिये थे ए वंश के जे विध्वंस कैलस चुन चुन करके बदला ले, खाली बस आप हमके अपन आशीर्वाद देदा। चलल कैसे यहाँ पर तारी बदल गई? उहे गीत बाकी इतने करी, अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। इतने करीब आके दगा दे गई मुझे।
भैया लड़का कहत बा मैं बुझ रहा दया तर्ज रहल है लेकिन भाव बा वीर भाव में विभीषण के लड़का कहत बा का चरे मारे गए अरे मारे गए समर में वीर कोटिनो बंका समर में बड़े बड़े वीर मारल गिरन बहुत बड़े बड़े वीर मारल गिरन लंका नगरी ओकर गवाही देत बा तब लड़का कहत बा का उस जिगर में तब तरुणी सेन है बोला हे पिता मुझे या जाओ तो ठेंगा नुगलत सोला माता निज रही सुशर्मा वह भी भीषण का बेटा भुजबल में मानो अपने महापलय को समेटा चुंगा उसी लहू से जिसने यह चमन उजारा लाशों से पट गई अपनी पूर्वक को मेरे मारा कलश कसम खात है कि धरती लाश से पट गई अजय हमारे पूर्वजन के मरले हैं कसम खाते कि वही के खून से धरती के सींचब लेकिन पिताजी तो कई शोभा ना देत विभीषण समझाओ तुम बेटा जायदा मन बढ़ही ना करे के लड़का कहलस तरुणी सेन बनते हो पीर पिताजी कायर का पाठ पढ़ाते क्यों माया मोह में पड़ी के कुल की हो नाक कटाते लंकेश सुना जब सुससे है धर्म नीति की बानी आज्ञा आशीष को पाकर चल पड़ा पीर सैलान आए बाबू तरुणी सेन के विभीषण समझावे लगल बचवा जायदा जौन भयल तौन भय धर्म अधर्म के लड़ाई रहल अब तू काहे परेशान होत हुआ कलश के अरे पिताजी ऐसन वंश रहल ए वंश में एक तहू अंश रहला लेकिन आज हमके जो कायरता का पाठ पढ़ावत हुआ माया मोह में पड़ के कि हमारा लड़का है कुछ हो जाई तो चिंता मत करा हमके कुछ होना है हमके आशीर्वाद दा इसमें तू लंकेश हुआ हमके आशीर्वाद दा धर्म नीति की बानी तो हर हम सुनत है लेकिन हमके आशीर्वाद दा विभीषण आशीर्वाद देलन कि ठीक है भाई जब ना मन बात जा आशीर्वाद देलन आशीर्वाद लेकर के लड़का आयल तो कहाँ आयल तर्ज बदल गए सर जो है बा कोनो देहाती मेहरा रूबा सैयाजी परदेश जात हूँ राजू करिए मिल में हाँ।
मेहरारू कहत बा प्रीतम जवन जवन कहबा सैया लड़िका अपने बाप से आशीर्वाद लेके आयल तो केकरे शरण में आयल जननी जगत की जगदम्बा महारानी हो जननी जगत की जगदम्बा महारानी हो पकड़ा है लाल जबकि जाई के में मात झुकवले बा लेकिन ए भैया अंग अंग जंग के सजाई करके भेस हो जंग का भेस सजल हो और बीरंग की तरह लगतो लेकिन एक खासियत आऊ रहल मानो करे आगे आज महाकाल अवनी अंबर खुद ब्रह्मा विष्णु बहेश तक टंगरी हिलत है लेकिन एक खासियत रहल का खासियत रहल ओम नमः शिवाय लिखले पूरे बदन में ओम नमः शिवाय लिख ले बा और गैल जगदम्बा महारानी के चरण में माथ झुकोले हैं महारानी के निगाह पड़ल लक 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 लीला एकदम चमकत रहल कली मांग ले बेटा का चाही कैसे इला सारी बात जब लड़िका बतौलस है कैसे इंसान बात है हमारे वंश की जे विध्वंस कैलस हम भी ओके विध्वंस करे चलल है मतारी बड़ी खुश भैली कली तब का चाहिए हमसे तो यहां तर्ज बदल गई तर्ज है लगल जरे मैया हो
लला नवा दीद बाहिनी हो बिरा नवा दीद तो पूरन की है लेकिन भाव बातर से बढ़िया फर्ज है लड़का कहत बा कि मांग पारा दानवा बेटा निगाह पड़ल जगजननी के बड़ी खुश भइली कलश बसम के वरदान दा कि हम विजयी हुई कहीं ठीक बा कहीं ला एक चीज टोके दे थी का देनी है अरे जब तक गले में तो हरे जब तक गले में तो हरे मालाई निशानी रही है हुआ शेर हुआ एक ठे माला देहली कनीला जब तक की माला तोहरे गले में रही तब तक तो हर कोई बाल न बाका कर सकी माला वरदान के रूप में पाए के लड़का जौन है चलल वहां से माथा झुकाए के तो आयल कहां तार्य बदल गई भोजपुरी का बड़ी शानदार गीत रहा अपने समय में कौनो मेहरारू कहत बा लेकिन लड़का जब जंग की ओर चलल हो उस समय विभीषण कैलन का है अरे जग जननी से पाके भारत नवा हो जब नवा जंग भूमि में चलल
रास्ते में याद पड़ रहा यार, अपने पिताजी का आशीर्वाद ना ले ली जा, चल पड़ा आगे। और जब अपने पिताजी विभीषण के पास पहुंचल तो भयल का राह बीच बाबूजी के पड़ल जब याद हो, पिताजी के पजरे भयल का तचू में बाबूजी का जाई के चरणवा हो, जवनवा चंग भूमि में चलन जाके अपने पिताजी के चरण में जैसे माथा झुकौले विभीषण के। जब विभीषण सारा ओकर रूप रेखा देखल कल सब तो ठीक है दिखा था, लेकिन गले में एक थे माला मलावा जब देखल तो आए बाबू, अब विभीषण का करेजा धुकुर धुकुर करे लगल कि कहीं कुछ गड़बड़ न कह दे, तो कैला का यह टेरी में भाव लगल। राजू तने साधु चावला लगे, अरे अपन से गई लहारी रवा भेद को जान विभीषण माला लिए उतारी, ये सही है राजा। आजकल के नयका नयका ढोलकियन के बस के बहरे हैं। तो कहना है मर्द नहीं वो कायर है, अपमान का बीज जो बोता है बनती है सफलता पेशा जब करतार लहू निज होता है। अरे था जिस लंकेश ने त्रिभुवन में बजवाया विजय के डंका को, हरका भेदी भाई बनकर के नाश कराया लंका को। एक समय रहल रावण का, जौने समय रावण उमन का तपस्वी रहल उतना बड़ा वीर रहल, बड़े बड़े देवतन के जौन कनवा पकड़ पकड़ के लिया के बैठाएले, शनिचर महाराज के तही घोड़े के नीचे दबले रहल, ऐसन तपस्वी रहल। लेकिन विभीषण जान गेल कि खतरा हो जाई, अब कैलन का धीरे से कल बचवा माला तुहार बड़ा सुघर लगत हमके देदा। अब लड़का रहल कहा जानत रहल कि मन का हकाना है, माला उतार के अपने बाप के दे दे रस। लेकिन देखा ऐसने होलन परिवार में कायर, जौन अपने हाथे कुल के नाश करौलन, और आज लड़का जब चरण अपने कुल के बदला लेवे तो वहू का नाश कर उतारू हो गईलन। तो यहाँ पर तार्ज बदल गई, है बा फिल्म का गीत आई लहल कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा नालिनी, रूप दी वो रानी तू परांदे को संभालिनी, ना तो एक विशाल खतरा हो जाए खतरा किसी मन चले का, किसी मन चले का तू गया गया जो दिल
दूर होगी बड़ी मुश्किल। तर्ज बा, लेकिन जिसमें सेना सजा के तरुड़ी सेन चलल है, माला तो उतर गल बा। अब ओके का पता बा कि माला में का रहल, लेकिन जब जवान चलल है लड़का तो भयल का। बजल जुझारू मारू राणा में बजा नवा, सामनी सामना लड़ाई होए लगल तरुड़ी सेन के सेना से तो भयल का। अरे करी के लड़ाई सब भाई लबेहाल हो, रामा दल के जवानन के एक को दाल गलत नहीं है। आगे आवत हूं लेकिन पीछे भागे लगत हूं, इतनी कहर बरपा दिलस मनो स्वयं महाकाल आके खड़ा हो गए हूं। इतनी वार पवार कैलस, इतनी वार पवार कैलस मनो जैसे धरती अंबर धनुष से एकदम बाण से एक कर दिलस। तो यहां तर्ज बदला था, बड़ी पुरान गीत है, उस्ताद लोग के गावे हैं। जब गई बात तब नहीं आ रही, कुल पुराण जरूर रही लेकिन मजा होकर अब अहिन भी होता नहीं है। लेकिन भाबा तमानो काल बसा हो लाल के खूनी खंग में सेना में जितना भालू बंदर रंकर का हाल भाई, भालू बंदर कर चिखार
लालू बंदर कर चिंगार, खाकर की जमी परवार। शेर हुआ, शेर हुआ, देखा इतने में विशाल का पसीना होए लगल। खाली वीर रस के भाव पर जितना भालू बंदर रहलन पूछ जाऊ न पिछवारे नाय नाय पेल पर अल मन भगे हुआ से केहू सामने टिकट नहीं बा। मनु आज लड़का अबनी और अंबर यानी धरती और आकाश पूरा एक कर दे लहू से, तो पापट में भाव लगल। लड़का का वीरताई जिस समय खुद जगत विधाता प्रभु से राम दिखल तो ताकत हुन देखत हुन कैसे ऐसन ऐसन वीर सुग्रीव जामवंत नल नील ऐसन ऐसन बड़े बड़े वीर जकरे तेगा तलवार का कोनो जोड़ा ना रहल। ऐसन ऐसन वीर जौन हम चोट खा के धरती पर गिर गेलन तब आप पारी के कराई बड़े बड़े वीर अल लेकिन केहू के को लगा ना दहलास जे जे आयल रण मैदान में मूर्छित होकर के गिर गए केहू को इक्को लगा नहीं दिलस। अय बाबू वीर बली बजरंगी हनुमान जी स्वयं ताकत हूं सरवा का करे अंदर हत छोटे बुढ़ी का लेकिन सरवा कमाल है करत बा कौन उपाय ऐसा लगावल जाए का करल जाए कैसे पार पावल जाए ऐसे पार पाना तो बड़ा मुश्किल लगत है। तो आल्हा में भाव लगल Yeah!
केहू के को लगत नहीं जे आवत ते धराशाही हो जाता। बड़े बड़े वीर लेकिन बाहरे वीर राम दल के जितना जवान रहलन भालू बंदर सब भाग परेलन। विभीषण के निगाह पड़ल रण मैदान की ओरी देखत है कि अब बड़ा खतरा हो जाला, का करल जाए, कौन उपाय लगावल जाए। टहरत टहरत धीरे से भगवान राम के पास गए। भगवान राम के पास जाकर के कहलन कि एगो बात आपके बतावल चाहत है। कहलन कौन बात बतावल चाहत हुआ? कहलन वह बतिया तो बतावल चाहत है, अगर हाँ और आज अगर ये बात मान जीबा तो जान ला कैसे पार पा जीबा, अगर बात ना मनबा तो पार ना पाईबा। भगवान राम कहलन रामायण में मेघनाथ ऐसन वीर कोई नहीं रहल, लेकिन एक हम पहली बार देखत है, इहो तो गजब है वीर बा। हाँ तो माने के पड़ी। शुक्र मनावा कि पहले नहीं है। हाँ अच्छा विभीषण का कहल चाहत हुआ बोला तनी तोरो सुन ले। तब विभीषण कहत उनका विभीषण कहत उन भगवान राम से। भगवान राम कहें तो पूरे बदनिये में आखिरकार बाण चलाई तो कैसे चलाई? पूरे शरीर में हरिओम लिखले बा, ओम का शब्द लिखले बा, बाण चलाई तो कहाँ चलाई? मर्यादा एकदम टूट जाई। कहीं भी अगर बाण लहकावत ही चलावत है तो ओम लिखल बा, हरिओम लिखल बा, मर्यादा भंग हो जाए। कमन जवाब दे। तब विभीषण कहने का गुरु महाराजा का खातिर पाव तलवार, अरे लिख शिव नाम नहीं सुनल सरका, विभीषण कहलन वही बतिया तो बतावल चाहत है। पूरे शरीर में ओम नमः शिवाय लिखले बा, हरिओम लिखले बा, तो ही आपके बतावल चाहत है कि आप बाण चलावा तो कहाँ चलावा? ठीक ओकरे तरुआ में मारा, पाँव के तालू में, कहें कि गुरु मर्यादा खातिर अगर कहीं जगह छोड़ले हुई तो ही पाँव के तलुआ में, वहाँ ना लिखले हुई। इतना बतौलन है और भगवान राम चढ़ा के तरकस में तीर मरबे कहीं ना पाँव के तलुआ में। जब पाँव के तलुआ में दनादन दनादन बाणन का बारिश कैलन है, लगल है लड़का के पाँव में तालू में, जब बाण लगल है भरा के धरती पर गिर गल। भैया हो भक्ति के भाव में, भक्ति के कारण, अपने खारी भक्ति के कारण विभीषण देखा ईसन बाप, विभीषण जिसन बाप अपने बेटवा के मौत के घाट उतार दिलन, ये भक्ति का देन रहल। भगवान राम के भक्ति में इतना लीन रहलन कि अपने परिवार का भी मोहमाया ना कैलन, अपने हाथे अपने कुल के दीपक बुझा दिलन, अपने बेटवा का ममता प्यार दुलार कुल भुलाए गलन।
लेकिन भयल का भक्ति के भाव में पढ़ करके अपने कुल के नाश करा दिलन। भक्ति अपनी जगह है लेकिन विभीषण के अंदर वो भक्ति रहल कि माया मुंह उनके ना रहल। दूर खड़ा होकर के अपने बेटवा के ओरी देखत हूँ, चेहरवा के ओरी हो ए भैया भगवान राम लड़का के पजरे गई न और जा करके लड़कवा के सर पर हाथ रखलन कहलन बाबू नमन कैलस हाथ जोड़ के प्रणाम कैलस। तब भगवान राम कहत हूं का ममता से माथे पर घुमा घुमावलन सोहरावत हूं कलम बेटा मान देली तोरे बहादुरी की मांग ले जमन तोरे दिल में इच्छा हो आज वरदान मांग ले। लेकिन लड़का इतना वीर रहल समर में गिरल बा भगवान का हाथ साक्षात करे सर पर बा हाथ जोड़ के तने कहलस का वरदान में आखिरी समय तोर का चाहिए हाथ जोड़ कर उसकी बस प्रभु बस आज जिंदगी जौने खातिर ये धरती पर जन्म ले ले रही जिंदगी सफल हो गई। अपने पूर्वजन के मौत के बदला चुन चुन के ले ले ली। अब कुछ ना चाहिए बस इतने चाहिए कि आपके चरण शरण में जिंदगी की हमारे मुक्ति मिल जाए बस उतने ये आत्मा के शांति हो जाए। इतने कहले बा लेकिन ए भैया विभीषण पजरे इलन और आकर के अपने बेटवा की ताकत हूं उठा के मुड़िया तरुणी सेन के गर्दन अपने यही चांगी पर रखल आँख से झरझर झरझर आंसू के धारा चलत कल बेटा मना कैले रही लाल हम तो भक्ति के भाव में फंस के कुछ ना सोचली सब एकदम अपन जितना मुंह में आरल सब खत्म कर देले ही। लेकिन लाल तो के मना करतले कि भगवान के सामने केहू के ना चल रहा तो हर कैसे चली।
हसल अंतिम समय है, प्राण पखेरू उड़त हो हसल। एक बात यह तरुणी सेन कलस की हमार तब जौन भैल तौन ठीक हो गए, हमार तो बन गई, लेकिन तैसा तू अपने बारे में सोचा कहला मतलब। तब तरुणी सेन कहत बा, तनी पर्दा लगा ले बेटा, अमर वीर जो जंग में जिंदगानी दे दे, कल समार तो छोड़ा तू अपने बारे में सोचा कल मतलब। मोक्ष के प्राप्त हो गई भगवान के हाथे मराई के, लेकिन तू झंखा अपने के हमार बाप हुआ ना, हम आखरी निशानी रहली। तू अपने आप के सोचा कि तोके मुआबा जब तक पिंडा पानी केहू दे कि ना दे। झरझर झरझर आंख से आंसू चलत भी सड़के, लेकिन है भैया यह कहने वाला का, अरे कुल के कलंकी नाम पर तोहरे गर्दन सब कर धू की तमरवा, लेकिन मरत वक्त न सांस चैन से छूटी, अरे थूकी कागज पर कहानी पिंडा पानी के दही। मरबा जरूर टटल सत्य हो, मौत ही सत्य हो, मरबा तो हूं जरूर, लेकिन मरते वक्त तो हर सांस परान जौन हो चैन से न निकले राजू, छटपटात रहबा वही में लेकर हिलवा, सोचबा कि अब मौत आ जाए तब मौत आ जाए, कौनो एक लोटा पानी दे देते मरबा, लेकिन छछनत मरबा। और जौना दिन कहानी पन्ना पर लिखल जाई वही दिन तोहरे नाम पर इ दुनिया जमाना थूकी। हाथ जोर के विभीषण खड़ा हुआ, झरझर झरझर आंख से आंसू को धारा चलत है। लड़का कहलस का, हमके काले ले हुआ, मुझे गर्व है जंग भूमि में देकर अपनी जान, तो दिया था जिसने लिया उसे ना अपनी खाती प्राण, हमके तो गर्व हो कि हम रणभूमि में भगवान राम जैसे वीर के सामने डट के लड़ाई कैली, हर मोक्ष के प्राप्त कर लेली, लेकिन तू तोहार तो खत्म कहानी। हमके ये बदे गर्व हो कि जे जिंदगी के लिखले रहल देहले रहल वही अपने हाथे जिंदगी के ले भी लेलस, आज गर्व से दुनिया से जात है। इतना कहते प्राण पखेरू उड़ गए और चला गया इस दुनिया संसार को छोड़ करके। ई रहल अमर वीर तरुणी सेन का वीर कहानी, आखिरी परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी ज्ञानी, रामदेव चंद्र का बिना बरसे नैनों से पानी, अपने से गई लहारी हीरा, अपने से गई लहारी
बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है, संसार में बड़े हर्ष उल्लास के साथ जब ये मानव दुनिया में आता है तो लोग जन्म मनाते हैं। बड़ा लोग खुशी से कहलन ये भैया के हमरे बेटवा भैल हो। परम आदरणीय हमारे गुरुजी, परम पूज्य, जहां तक विरहा है तहां तक आपका नाम है आदरणीय आप ज्ञानी यादव, आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। माँ विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुगल सराय के देखरेख में हमारे छोटे अनुज विशाल यादव और ढोलक पे संगत दे रहे हैं हमारे रामा भैया और रमतार भैया कोरस पे और रामचंद्र भैया और हारमोनियम पे साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भैया परम आदरणीय आप जेपी भैया। मैं भोजपुरी बिरहा गायक जसवंत यादव आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, एक छोटी सी बिरहा भक्ति का हो आप लोगों के बीच में पेश बा। हमके आशा ना बड़की पूरी विश्वास बा कि जब जैसे हर कलाकार के आप लोग प्यार दुलार देहिला वैसे ही अपने बेटवा के भी प्यार दुलार देवल जी। चार लाइन भूमिका के अंदर भाव लगल कवि जी लिखलन केकर कहानी हो, कैसन कहानी हो, आइए। तो भाई चौधरी निरंजन का बेटा चभोकल सरजू किनारे था ब्रिज लोक गौआ, तीन लड़के निराले रहे उनके आले करे काम हरदम जहां पाव ठुआ, केवल चभोकन के भोजन से मतलब करे काम कुछ ना बना रहता मेउआ। एक दिन पिताजी है घर से निकाले मिले एक साधु गिरा उनके पौआ,
ए भैया, यही पावन नगरी अयोध्या के बगल में एक ठे गांव बसल हो, जौने गांव का नाम माई सरजू के नदी पर बसल हो, वही से वो गांव का नाम सरयू रखल हो। वह गांव के बड़ा नामी रहलन निरंजन चौधरी, जेकरे चार संतान रहलन। सबसे बड़ बेटा रहलन जेकर नाम रहल चभोकन। तीन ठे लड़का बड़ा मेहनती रहलन, दिन रात मेहनत करें, काम करें, और जवन भी रुपया दो रुपया मेहनताना मिले लिया के अपने ईमानदारी से बाबू के हाथ पर रख दें, वही से परिवार का खर्चा चलत है। लेकिन बड़का बेटा जो चभोकन हो, कवि जी लिखलन केवल चभोकन के भोजन से मतलब, करे काम कुछ ना बना रहता मैं हुआ। एक दिन पिताजी है घर से निकाले, मिले एक साधु गिरा उनके पौआ, देखलन कि हमार तीन टे बेटवा कमात हुए, चभुकना कुछ ना करत हूं, गुस्सिया गईलन, कलन कि थरिया भर खाए के आ सुत्तत हुआ, आई जाए के चार घंटा मंदिर पर दिन बितावत हुआ। ऐसे परिवार चली बेटा, डांट करके निकाल दिया परिवार से, निकल जा परिवार में, तुझे कोई जगह नहीं है। डांट के जब निकलन तब घरे से निकल गल, गौआ के बहरे गल, तो एक ठे महात्मा बैठल ललन बरगद के पेड़ के पास, जाय के वही महात्मा जी के चरण के प्रणाम कैलस। महात्मा जी पूछलन कि बेटा बड़ा दुखी लगत हुआ, का बात है हो? एक लाइन कौआली का टुकड़ा लगल बाबू, मुसलमान नमाज पढ़लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। लेकिन जब चभुकना जाए के महात्मा जी के चरणिया पर गिरल, तो महात्मा जी कलन की ये बचवा के हुआ, काहे इतना दुखी हुआ, कलस की हम के है ही तो हम ही नहीं जानी ला। लेकिन भगवान के देहल इस शरीर कितना अनमोल चीज बनौनन, लेकिन बाहरे हमरे बाबूजी हमरे संगे का कैलन, का कलस भगवान ने जो दिया है हमको, भगवान ने जो दिया है हमको, वैसा कोई दिया नहीं है। भगवान ने जो दिया है हमको, अरे वैसा कोई दिया नहीं है, वैसा कोई दिया नहीं है। बाबू ने जो किया मेरे संग, अरे बाबू ने जो किया मेरे संग, वैसा कोई किया नहीं है।
कलश के बाबूजी जौन हमारे संगे कैलन भला केहू अपने औलाद के घरे से निकाली बाबा औलाद सबके प्रिय होलन कलन की बचवा तनी साफ साफ बताओ बतावे लगल शहर के अंदर भाव लगल सुनिए सुना रहा हूँ अपनी कहानी बाबा झूठी नहीं है रज को सच्ची कहानी बाबा कलश की सुना एको परसेंट झूठ ना बोलब जवन कहब तवन सही कहब तीनों भाइन में हम ही सबसे बड़ा भाई हो तीनों खाते हैं जितना अकेले हम खाई हो भोजन यो भजन बस यही है काम मेरा बाबा भोजन यो भजन बस यही है काम मेरा बाबा समय निकाल लेता हूँ हरि का नाम बाबा कलश की बस खाली कसूर हमारे इतना है कि कुल जितना तीनों मिला मिल के खाने अब उतना हमार खुराक अकेले हम टाइम निकाल के भगवान के भक्ति करीला जवन नित्य क्रिया कैले से समय बचेले यह हो कि नौकरी ना करीला भगवान के भक्ति करीला यह कसूर हो कमाई के एको रुपया बाबू के ना दहिला इसे घरे से निकाल देने रोवे लगल बाबा के चरण में गिर के बाबा के भी रुआई आ गई गीत बदल गिल बाबू हमारे गुरु जी बैठल हुवन हमारे गुरु जी का गुरु जी गावत रहे रामदेव उस्ताद गाय का चल गई ना कहाँ पर अब कहाँ तो तू अमर का घरिया पी के आये हुए इधर अबे नहीं हो सब जाई सब जाई गुरु जी चल गई ना लेकिन अपन नाम अमर कही के गई ना आज भी हम हन जाई गुरु जी के याद करती जा वह गीत लगल कैसे बाबू गाँव है कवन करन वो शहर भागे पिया पपिया कबोलिया जहर लागे लेकिन बाबा खड़ा भइलन तो इतने चभुकना का कलैया पकड़लन आ कैलन का का कैलन सुन के रवाई दिल अखरी गई ले बाबा लईका के लेके डहर धई आइलन कहाँ लईका के साथ बाबा मठ पर है आए
अरे देई के आशीष अपन चेला बनाए। बाबा लईका के लेके डहर धईले, अरे जिया भैया जिया, लेके मठ पर अइलन गुरु मंत्र देहलन अपन चेला बना लेलन। पहले से खाए में तब खवक्कड़ रहबे कयल, बनाए के बाबा के देहलन से जौन बचल चाप के रामा एक थरिया, आ खाए के जाए के वही पेड़े के नीचे चटाई बिछाए के सुतल टंगरी फैलाए के टल साजी के तनी मनी हर वर कही के फिर बनौलस फिर रेल के सुतल। वह ओकर काम चलत रह, चार बल्टी रोज पानी खींचे नारा में से मंदिर धोवे, और धोए के बाबा खाना बनाए के अपने के भरपूर बनाए के खाए के एकदम से सुत्ते। धीरे धीरे छह सात महीना बीतल तो और सड़ी आ गए, लेकिन धीरे धीरे जब छह सात महीना बीतल तो एक दिन बाबा राशन ना देहलन खाना बनावे, चिंता में पड़गल तब बाबा से कहलस, एक लाइन गीत लगल बाबू, वह गीत था बड़की गोतनिया मरलस पतिया पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई ना लिखवा राजा मतिया, पतिया रोई रोई ना लेकिन एक दिनवा जब भोजन ना बने बदे बाबा राशन देहलन तो चभोकना के दिल के धड़कन बढ़े लगल के लगत आज खैले बिना मुई का, आज बाबा कुछ देहलन नहीं, आज गुरुजी कुछ देहलन नहीं, लगत मुई है का इतने खैले बिना। धीरे धीरे आठ बजल नौ बजल जब साढ़े नौ बजल हो तब पूछ बैठल का कहलस, एक दिन चभोकनी मठ पर ना पवल भोजनवा मनवा दुख में भइल ना, मनवा दुख में भइल ना पूछे साधु से करनवा, मनवा दुख में भइल ना जाए के कहलस कि गुरुजी हमसे कोनो गलती हो गई है, आज खाना न बनी। कल नहीं ये बेटा, तू तो पत्थर में पारस हुआ ये लाल, तो हसे भला कैसे गलती हो सकले ये हमार बेटा। आज खाना बनी लेकिन बेटा कैसे बनी सुना का बताऊ लल, सा
साधु जी बताए काम दसिवा लदीनवा मनावा दुख में भैलना मनावा दुख में भैलना परल गाढ़े में परनवा मनावा दुख में भैलना बेटा आज एकादशी का दिन हो आज के दिन भोजन ना बने ले। अरे जब कहलन कि भोजन ना बनेला तब तो पिछाड़ गिरगल वही जे खटिया पर बैठ गल कलश काहे गुरु जी वो कुछ बतावत हो के सूझता ना हो के बस भोजन में सूझत हो कि आज खनवा न बनी पेट कैसे भरी तो भाव टेरी के अंदर लगल हवा धिया नवा मोरे भोजन में पै लगल बाबा बिन भोजन के बची है ना पारनवा यार पारनवा यार पारनवा कलश की बाबा भोजन बदे जीला भोजन में न बनी तो कैसे रहल जी हो कलन की ना ये बचवा भोजन बनी लेकिन कैसे बनी कहाँ बनी गुरु जी बतावत हुआ चभुकना सुना था अपने खाए पर ध्यान दे गुरु जी कलन की जाए जाए के भगवान भोजन बना लिया नदी किनारे बढ़िया से साफ सुथरा कर लिया नहाय लिया नहाय के भोजन बनिया भगवान के भोग लगैया भगवान जब भोजन ग्रहण कर लिया तब हमके बोलैया हमहू आईब हम और तू दोनों जनी मिल के भोजन ग्रहण करल जी कलश की सुना हम एक आप हो गईला दू आ एक के भगवान ही है हो गईलन तो राशन बढ़ाए था कहां से कि राशन मन से अगर कटौती करबा तो तू तो खा लेबा पीछे पड़ब हम बाद में हमार नंबर आई तो हमारे हक मराई तो एक अच्छा पहले तो कह देती देखा कुल से दोस्ती रही कुल से रिश्ता रही लेकिन खाए से रिश्ता हमके भोजन चाहिए गुरु जी कहलन की जैसन आज्ञा बेटा तुहार
बढ़ा देलन नदी किनारे जब गैलन जब होकन साफ सुथरा कैलन साफ सुथरा कई के भोजन बनौलन बड़ा मन से एक लाइन गीत लगल बाबू गीत हम कैसे बाबू जब तो हूँ ये राजा जय बाबी देसावा कजरा नयन में रही कजरा नयन में रही हमारा के का काली अइबा कजरा नयन में रही लेकिन गुरु के आज्ञा अनुसार नदिया के किनरवा जाए के चबोकन कैलन का कैलन भैया खानावा बना के जो है हरी कयावा नवा मानवा भोजन में पैर मानवा भोजन में पैर दिल में ना बटे चयनवा कलश की गुरु जी कलन की भगवान आई है भोग लगा लिया भगवान भोजन ग्रहण कर ली है भोग लगा ली है तो करे बाद हमके बोलिया हम खाई आप खाई हम गुरु के आज्ञा अनुसार भोग रख देलस और रख के भोजन के जब आंख बंद कैले हो नारायण की याद कैले हो तो धीरे धीरे समय बेला बीते लगल लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है भगवान भी देखलन कि कवन भक्त निस्वार्थ हमार पूजा करत हो कवन स्वार्थ से पूजा करत हो जवन भक्त निस्वार्थ पूजा करलन ओके तो क्षण भर में प्रकट हो जालन और क्षण भर में दर्शन देवलन का भयल नारायण के भोग बादे आँख बंद कईले थाली में भोजन लगाए के जौने समय अगवा रखलन हाथ जोड़ के जब आंख बंद कैलन तो थोड़का देरिया में आवाज आयल कि बच्चा आंखें खोलो के आयल के? राम जी सिया के साथ वही वक्त आयल होई गईल प्रभु से मिलनवा हो मनवा भोजन परहल ये भैया आंख बंद कैलन तबले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता जानकी प्रकट हो गईलन कलन के अरे बेटा चबोकन आंखें खोलो लाल दौड़ के चरण चुमलस की प्रभु आप दर्शन दे देहला माता का दर्शन पौलस प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन पौलस अपने जिंदगी के धन्य समझे लगल भोजन ग्रहण कैलन भगवान अंतर ध्यान भइलन गुरु के बोलौलस गुरु जब कुछ देर के बाद ना एलन तो भोजन उठाए के ले जाए के गुरु के आगे देहलस भोजन गुरु जब भोजन ग्रहण कैलन गुरु जी अपने भोजन खैलस त खाए के एकठे बात कहलस का कहलस गीत बदल गई देखा यहू के उस्ताद गावत रहे कैसे गाव है जवानिया में गड़िया छूटल ये राजा
लेकिन जब भोजनवा कह के गुरु जी बैठल हुवन आ जब इहो भोजन कह के जब खली आयल तो गुरु जी सिक्ठे बात कहलस। का कहलस? गुरुवर से चबो संख्या बढ़ैले अकुलाई कहले कलस की तू कहला के भगवान यही है आ वो अइलन तो एक जानी के लिए और लिए उले अइलन माता जानकी के भी लेके आ गइलन आ तोके कहली कि राशन बढ़ाए दा तो तू नापी के देबा है बतावा खैले के ठाला पड़ जी हमन के मर्दवान से तनी सा तू पावर मुट्ठी दू मुट्ठी बढ़ाए के ना दे सकता नाप के देबा और मन तो तुहार तो भर जला हम ही पाछे भर रह जाइला हमरे का कल रही हालत हो जाई गड़ी बड़ झाला हमन के खाई ले कपड़ी जाई ठाला संख्या बढ़ैले अकुलाई कहले कलन की ठीक है बेटा अब ऐसा ना होई चला अब वेदा का राशन बढ़ा दे बर धीरे धीरे समय बीतल भाव पहपट के अंदर लगल बाबू तब फिर से आयल एकादशी का दिनवा मनवा शंका में आराम सिया के साथे लखन एकादशी का दिन आयल हो जाय के वही नदी के किनारे गुरु जी के बदौला अनुसार भोजन बनाए के साफ सुथरा करके तैयार कैलस भगवान की याद कैलस कि प्रभु हमारे गुरु का आदेश हो आए के आप लोग प्रसाद भोजन ग्रहण करी जाओ भोग लगा ले जाओ और हमहू अपने गुरु के ले जाए के भोजन दही कह ले हमहू भोजन करी। लेकिन ओदा परियां तो ये भैया बस खाली राम जानकी आयल हलन यदा परी जब अलन तो माता जानकी अली मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलन और साथ में भैया लक्ष्मण के ले ले अलन भोग लगौले है आय के गुरु जी पर भड़क गल की कहली कि गुरु जी राशन बढ़ा दा जनसंख्या बढ़ गई है का कहलक कैसे भैया राशन नहीं बढ़ा वाला गुरु जी संख्या चार हो गई ली हम पेट नहीं भर पाता गुरुवर हमला चार हो गई ली हम आ गई फिर एकादशी समय मनवा शंका में चारों भैया संग हनुमत बलवा मनवा
के कलश के गुरु जी कहली कि राशन बढ़ा दा एदा पारी तब तीन जानी आएगी ना बतावा देहला राशन चार जानी को हो गई पांच जानी कलन के बेटा अगले बेर से बढ़ाए देव जब फिर एकादशी के दिन आए ये भैया जब फिर लेके चलल हो राशन गंगा नदी के किछार पर तो एदा पारी के आयल राम लक्ष्मण माता जानकी के संगे महाबली हनुमान भी आयल हुआ देखलस तो कलस की ऐसे नाम मनी है हमहू इनके भगवान समझत रलिए बड़ा इनकर इज्जत करत रलिए लेकिन इहो दिन पर दिन देखत ही पलटन अपन बढ़ौले जात हुए बस यागी ना बना बनावल भोजन करे में कलस की ठीक हम अब वो राशन वही तरह रखले रहल कलस की यदा पारी आए जइए लगन पहले गिन लेब कई जानी हुआ तो वही हिसाब से खाना बनी आ कम रही तो और जाय के ली आई तब बनाई यदा पारी हमारे खैले के ठाला न हो के चाहिए ये भैया जब भगवान के याद कैलस हो तो यदा पारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता जानकी आ लक्ष्मण के संगे संगे चारों भैया भरत शत्रुघ्न और महाबली हनुमान भी आयल हुए देखलस पलटन के तहलस के रे प्रभु ये का करत हुआ का कलश भाव आल्हा के अंदर लगल आल्हा नंबर तीन बोला है चबो कल ताबा बोला है चबो बनाए के भोजन जब तैयार भेल हो साफ कई के चटाई बिछा के प्रेम से सब लोगन के बैठौले हो लाइन से सबके सामने भोजन रखले हो पानी सबके दिले है हाथ जोड़ के प्रभु के चरण में माथा टेकले है कि प्रभु पहले आप लोग भोजन ग्रहण करें पहले आप लोग भोग लगाई एक बाद हम अपने गुरु जी के बुलाई हमार गुरु जी भोजन कैली है तो हम भोजन करब सबके सामने भोजन रखले हो तबले भयल का सदर में
जौने समय भगवान के हाथ जोड़ले कि प्रभु आप लोग भोजन ग्रहण करी, इतने में गुरु जी आ गेलन। ये भैया आई के देखलन तो गुरु के आंख पर माया के पर्दा चढ़ल हो। भगवान चभुकना के लौकत हुए, सब लोग चभुकना के लौकत हुए लेकिन गुरु के ना लौकत हुए। यही तरह खाना आगे रखल हो और गुरु के केहू लौकत ना हो, जब भगवान दिखाइए ना देत हुए तो का जनिहन की भगवान बैठल हुए आई के डांट देहन कलन राज चभुकना। अरे बेटा तो के अगर खही के रहल तो हमसे कह देले रहते, साफ बात कह देले रहते कि हमसे ही ना होई, सिर्फ हम खाना बना के तुहके खिया सकेला, अपने खिया सकेला। आए तोर ना पेट भरत रहल तो हमसे कहले रहते, ई झूठ बोले के का जरूरत रहल, भगवान के नाम पर का जरूरत रहल। ले बेटा कहले कि फलाने के लेके आएगी ना भगवान, आज माता जानकी के लेके आएगी ना, लक्ष्मण के लेके आएगी ना, हनुमान के लेके आएगी ना, भरत शत्रुघ्न के लेके आएगी ना, आए रोज के रोज राशन बढ़ाए के लेके आवे, थोड़ा थोड़ा रख दिले हुए कुकुर बिलार नदी के किनारे खइहन, बताओ इतना थरिया में लगौले हुए। आए झूठ बोले के बेटा हम ही मिल ली, अरे अपने गुरु के संगे इतना धोखा रे। आए खुल गया उस बालक के ज्ञान का दीपक, खुल गया, जाग गया उसके अंदर की आत्मा, जाग गई, गिर गया गुरु के चरणों में, कहा गुरु इतना बड़ा कलंक मत लगाइए हमारे जीवन में, मैं सच्ची श्रद्धा से गुरु भक्ति किया हूँ, भगवान की भक्ति किया हूँ और सच्चे श्रद्धा से आपकी भक्ति किया हूँ, गुरु को आज गुरु के आदेश से, आपके आदेश से आज भगवान को भोग लगाया हूँ और भगवान यही बैठे हैं, देख लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, माता जानकी हैं, भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और महाबली हनुमान हुए। ना ही हनुमान बैठ के बगल में भोजन करत रहलन, ए भैया कलन की एक और झूठ करे सोझ है तू आखी में धूर झोंकत हुए, आए यहाँ तक कोई ना लौकत, जाग गया, जान गया वह बालक कि हमारे गुरु अभी अंधकार में जी रहे हैं, जा करके भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान के चरणों में गिर करके एक बात कहलस, भाव खड़ी के अंदर लगल, कलश कि प्रभु अगर हम आपका सच्ची श्रद्धा से भक्ति कैले ही, अगर सच्ची श्रद्धा से गुरु भक्ति कैले ही तो हमारे गुरु जी के भी दर्शन दा, जैसे हमके दर्शन देत हुआ वैसे हमारे गुरु जी के भी दर्शन दा, अगर आप दर्शन ना देबा तो सदा सदा के लिए भक्त और भगवान की भक्ति कलंकित हो जाएगी। चूंकि यह गुरु जी जाए कि अगर कहीं है कि हमारे एक चेला रहल चभुकना, झूठ मूठ के बोल के भगवान पर नाम, भगवान का नाम बताए कि भोजन लेके जाए, राशन लेके जाए और सब भोजन थोड़ा थोड़ा रख के कुल अपने खा जाए, तो प्रभु एक कलंक से हमके बचा ला और हमारे गुरु जी के दर्शन दे दा। कलश की मझधारे में नवरिया बचावे के पड़ी, आज भक्त और भगवान का सम्मान दांव पर लगल हो, एक ही बचा ला, विश्वास खत्म हो जाए। और ये गुरु जी जौने दिन हमके कोई ना रहल, बाबू जी हमके अपने घरे से भगा देने, जौने दिन संसार में कोई हमार हाथ ना पकड़लस, वो दिन यह हमार गुरु जी हमार हाथ पकड़लन, का कहलस इतना कहत कहत चभोकन रोवे लगल भगवान के चरण में गिर के, का कहलस माई वाली ममता छूटल, माई तो माई होनी ये गुरु प्रभु जी, लेकिन जौने दिन बाबू हमके घर से निकलन तो माई कभी ममता ना जागल,
माई भी आई के हमार कलाई पकड़ के हमके बचवा कह के घरे में ना ले गई नहीं डांट के। माई भी वो दिन विमुख हो गई नहीं है गुरु जी। हे प्रभु माई भी वो दिन विमुख हो गई नहीं तो यह गुरु जी हमार कलाई पकड़ लो। ये जिंदगी में गुरु जी का एहसान हो यह बदे प्रभु ये अपने बचवा के अपमानित होए से बचा ला। का कहलस माई वाली ममता छूटल बाबू का दुलारावा आई है गुरु जी भैल हमारे जीवन का धारावा। इनके ऊपर नजरिया घुमा के परी मजधार में नवरिया बचा के परी। ये भैया जब इतना बात सुनलन प्रभु तो कैलन का निरीक्षल विचार का चबो का न जवलवा अब भक्त के पहले दयाल भगवान दरसनावा। भगवान अपन माया हटौले हमर साक्षात सामने अलन गिर गए गुरु चरणों में प्रभु के दर्शन पौलन धन कहन की बेटा इता जिंदगी सेवा करें पता नहीं प्रभु के दर्शन होत कि ना होत। ए बेटा धन है आपकी भक्ति रे चभोकन धन है तेरी महिमा आपके वजह से प्रभु का दर्शन हुआ। प्रभु के बार बार प्रणाम कैले हुअन भगवान आशीष देले हुवन और जब अंतर ध्यान भयल हुवन तो गुरु कैलन का यह कहलन का कहलन आज से तुम हो गुरु हमारे हम है रावर चेला निर्मल काया कर लो पंड छोड़ जगत का मेला। गुरु कलन के बेटा आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपका चेला है कलश के ना ये प्रभु जी आप है हमारे गुरु हुआ और हम आपका चेला है। चूंकि आप का देहल मंत्र हम ग्रहण कैली आप का आज्ञा मान के आज प्रभु का दर्शन पौली तो धन है आप हमारे लिए जो हमको प्रभु का दर्शन करा दिए। दोनों गुरु चेला गले से गले मिलल हुआ और हंसी खुशी कुटिया के तरफ एलन तो गुरु घराने का परिचय कैसे बाबू तक गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव पदल की बानी
समंत का पिरहा।